देखिए, इस टाइप के फजल को हम लोग किस तरह सॉल्व करना है, खाली जगह को भरना है। क्या हो रहा है इसमें? यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। ये 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर। फिर 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर। फिर 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पे मालूम नहीं है। अब इधर थोड़ा सा देखते हैं, ई कैसे आया है और ई कैसे आया है और ई कैसे आया है और ई कैसे आया है, देखते हैं। तो यहाँ देखिए, 6 और 8 को गुना करके आया है। 6 गुना 8 बराबर 48 पुर गया। अब देखिए, 30 कैसे आया है? 5 गुना 6 30 आ गया है। 5 गुना 6 30 आ गया है। अब देखिए, यहाँ पे मालूम नहीं है हम लोग, 5 गुना यहाँ पे मालूम नहीं है, यहाँ भी मालूम नहीं है, 8 गुना। तो देखिए, दो जगह मालूम करना है, क्या चीज़ से गुना करेंगे जो कि 55 हो जाएगा, और यहाँ क्या चीज़ से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर दोनों साइड हम 11 से गुना करते हैं तो देखिए 55 हो रहा है, फिर यहाँ पे 88 हो रहा है। 11 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा? खाली जगह पे 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 11 का स्क्वायर 11 × 1 = 7 से। यही हम लोग का मिसिंग नंबर है। धन्यवाद दोस्तों।